कारण नहीं पड़ जाना आपको। आयुष रिलैक्स, डर लग रहा है पर आती से मम्मा कुछ रहने का जरूरत नहीं। तुम याद है थोड़ी की गोपा जाए वो देख वो जो ऊपर पहले एक लोग भी बैठे हैं पता उधर नहीं उधर देख वहाँ एक लोग बैठे ना हॉर्न मत बजे जो पक दिया गाड़ी बॉम्बे अच्छा ग्रे कलर का हाँ थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पे आए हुए थे और हमें मना किया गया था हॉर्न बजाने के लिए। तो अभी आगे का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और अभी आपको करवाते हैं गजराज हाथी के दर्शन। चल रही हाथी के पीछे और यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं बट हॉर्न नहीं बजा सकते। गेट खोलना पड़ता है हाथी। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। अरे चलन दो, चलन दो। आयुष तेलुगु क्यों बोल रहे हो? तेलुगु क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें डेयर मिल्क खानी है। इतना अच्छा पहाड़ में चल रहे हैं वापस। ये क्या है पापा? ये कौन सी जगह है? ये बेटा अभी हम जा रहे हैं जोरहट के आसपास है। जोरहट्टी? जोरहट आएगा अभी मेरा। नहीं यार सुनो मैं इसके अंदर बिस्किट भी मिल और ये है आसाम की पहली चाय। यहाँ पे हम रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए और अभी यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय और बच्चे झूला झूल रहे हैं। क्या हो गया? मैं डालूं? प्योर खुशबू वाला चाय। हाँ अच्छी लगी। बहुत प्योर है पूरी। प्योर।
मेरे को बजाना। बैठना जल्दी, मैं जा रही हूँ, फिर बैठे रहो जल्दी। बाय। वह नहीं आवे टब्बर यार, अभी को नहीं तो नहीं। अभी हम चाय पी के वापस गाड़ी में आ गए हैं और सिनू बहुत परेशान कर रहा है। जो ही इसको गाड़ी में बिठा रही थी, आगे से रखे सारे चिप्स पीछे लेके चला गया ये लड़का। और हर 10 मिनट बाद डेयरी मिल्क चाहिए, ये बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, अब मुझे डेयरी मिल्क खिला दो। और 10 मिनट बाद इसका पूरा वो हो जाता है कि पूरा दिन हो गया है। और बड़ी वाली डेयरी मिल्क, बड़ा वो सेट ला के रखा था 10 डेयरी मिल्क का, इसने पूरी फिनिश कर दी है और फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। थोड़ी सी तो है, कहाँ थोड़ी सी है, सिनू पूरी खा रही है। यार मैंने यारी ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाऊं। आ रहे हैं डिब्रूगढ़ बस कुछ ही टाइम बाद। अब मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन से बस 100 किलोमीटर दूर है और अब टाइम नहीं कट रहा है क्योंकि अब 100 किलोमीटर दूर है तो ऐसे लग रहा है कि कब आएगा स्टेशन। बच्चे सो गए हैं दोनों, परेशान होकर बहुत चिल्लाए, बहुत परेशान किया गाड़ी में और फाइनली दोनों सो गए हैं अभी। और मौसम अभी बस रात होने वाली है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है पर रात होने वाली है। अभी मिलते हैं आपसे मोहनबाड़ी स्टेशन पर। अभी बस मोहनबाड़ी से 50 किलोमीटर दूर है और बारिश हो गई है और हम फंस गए हैं बारिश में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दिखाते हैं कि हम मोहनबाड़ी पहुंचे कि नहीं पहुंचे या फिर हमें यहीं पे स्टे करना पड़ गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। विकास तो किया है नहीं कुछ, अंधेरे में दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी कुछ भी, बताओ कैसे यहाँ से जाए। कांग्रेस से राज रह गड्ढा है, हमारी ये सरकार बनाएगी। फिर भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। लोग तो पोड़ा है जगह।